नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, हमें नीचे दिए गए जो भी हमें क्वेश्चन है उसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। यानी हमें प्रूफ करना है, ये जो हमें LHS साइड गिवन है, ये हमारी पूरी यहाँ तक क्या है LHS साइड, हमें प्रूफ करना है ये हमारे राइट साइड के इक्वल है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे। तो देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने LHS को नोटिस करते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखो ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक्स क्या है पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये मेरा एक्स हुआ। ठीक है, इसी तरह मेरा वाई क्या है यहाँ पे पाई बाय फोर माइनस वाई, यहाँ पे ये मेरा वाई है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एक्स पुट कर दूं और इसकी जगह वाई पुट कर दूं तो मेरे पास LHS साइड क्या आएगी, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अभी किस चीज का फॉर्मूला होता है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये पता है किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा ए क्या है, हमने यहाँ पे एक्स लिया तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये। और हमारा यहाँ पे एक्स क्या था पाई बाय फोर माइनस एक्स और वाई क्या है पाई बाय फोर माइनस वाई। यानी ये जो LHS साइड मुझे मिली, ये मेरी LHS साइड है, अगर उसको मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूं तो मेरा क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की जगह पाई बाय फोर माइनस एक्स पुट कर देती हूँ और y की जगह पाई बाय फोर माइनस वाई पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे cos x क्या है पाई बाय फोर माइनस एक्स प्लस y क्या है पाई बाय फोर माइनस वाई। ठीक है, ये है मेरे पास। अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं, ये क्या आएगा cos पाई बाय फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाय फोर माइनस वाई, ये वैल्यू मेरे पास आई। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आएगा कॉस टू पाई बाय फोर माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे टू वन जा टू टू जा तो क्या वैल्यू आई यहां से, कॉस पाई बाय टू माइनस, यहां से इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स और माइनस वाई में हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई। ये अब हमारी वैल्यू आई, अब इसको ध्यान से देखेंगे क्या आई, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, ये पूरे को अगर मैं एक्स मान लू, ठीक है, या फिर इसकी जगह मैं इसको थीटा मान लू, या फिर मैं इसको एक्स मान लेती हूँ कोई थीटा मान लेती हूँ, तब मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा या फिर कह सकते हैं एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स प्लस वाई कर रहा है। और यहाँ पे पाई बाय टू भी है, कॉस भी है, माइनस थीटा भी है, तो मतलब जो मेरी वैल्यू क्या आएगी वो आएगी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा को रोल प्ले कर रहा है एक्स प्लस वाई, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी इसके आगे साइन थीटा, यानी साइन एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। और ये मेरी किसके इक्वल है, ये है RHS के इक्वल। यानी यहां से मेरा प्रूफ हो गया कि LHS साइड किसके इक्वल है, RHS साइड के इक्वल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। हमें प्रूफ करने है कि ये जो हमारी LHS साइड है वो हमारे RHS के इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। अभी यहाँ पे क्या है टेन एक्स प्लस वाई और ये क्या है टेन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये है हमें हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो एक फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस वाई का, फॉर्मूला क्या होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन वाई। ठीक है, ये हमारा टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस वाई का, वो क्या होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, यहाँ पे हमारा एक्स है पाई बाय फोर और यहाँ पे वाई क्या है हमारा एक्स है। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, सबसे पहले देखते हैं कैसे वैल्यू पुट होगी। यहाँ पे हमारे पास है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें ये एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से और ये 10x माइनस वाई वाले फॉर्मूले से पुट करनी है वैल्यू। तो ये क्या होती है 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x 10y, इसके अंदर पुट कर देते हैं। 10x क्या होगा 10 पाई बाय 4 प्लस 10y यानी 10x, क्योंकि यहाँ पे y का रोल कौन प्ले कर रहा है, x कर रहा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x यानी 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10x, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, अभी इतनी टर्म को हमने पहले लिखा है, अब डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है, अब हम इसको 10x माइनस वाई के फॉर्मूले से खोल देते हैं, 10x माइनस 10y। तो यहाँ पे 10x क्या है 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, क्योंकि यहाँ वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स कर रहा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x यानी 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10x, ये वैल्यू आई हमारे पास। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, 10 पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 10 45, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 10 45 की वैल्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10x, ये हमें वैल्यू मिली है यहां से, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 पाई बाय 4 यानी 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1, 10 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10x, ये वैल्यू भी हमें यहां से ऑप्टेन हुई है। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है 1 प्लस 10x, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 10x, क्या होता है यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इंटू 10x क्या होगा माइनस 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 10x क्या होगा 1 इंटू 10x क्या होता है 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, ये हमें यहां से वैल्यू मिली। अब इस टर्म को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। अब इस पूरी टर्म को मैं ऊपर ले जाती हूं तो ये क्या बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगी 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। तो यहां से क्या ये है 1 प्लस 10x, ये है 1 प्लस 10x, ये है 1 माइनस 10x, ये भी है 1 माइनस 10x, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है हमारे RHS के इक्वल है, यानी हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि हमारा LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कॉस पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, हमें इसको कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल प्रूफ करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ LHS साइड, जो ये हमारी LHS साइड है, इसको हमें हमारे RHS साइड के इक्वल प्रूफ करना है, जो है कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे LHS देखते हैं क्या है, LHS है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हमारा गिवन है LHS, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है cos पाई प्लस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स, ठीक है, ये देखो इधर लिखते हैं हम साइड में फॉर्मूला, कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस कॉस एक्स, ये हमारी वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, और हमारी कॉस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई। और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, और कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देते हैं हमारा साइन पाई
पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स होती है, और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है। बस ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की तो हमें ये इक्वेशन मिली। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन बाहर रखते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखते हैं हम लोग साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम स्क्वायर, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है अभी, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी हमें ये पता है कि कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कॉट एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट एक्स होती है। तो अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर एक्स होगी। तो यही बस हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर एक्स होगी। तो ये हमारे किसके इक्वल है, ये हमारा आर एच एस के इक्वल है। इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया है कि एल एच एस किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है।